हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। अभी यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करा है, फिर मैंने प्याज और शिमला मिर्च तो रफली चॉप कर लिए थे वो ऐड करें, और कैरेट मैंने ऐड करी है, कैरेट को मैंने ग्रेट कर लिया था। इनको अभी हम सोते करेंगे। तो यहाँ पर मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो बढ़िया से सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि मैं वेट वॉच कर रही हूँ, तो कुछ हेल्दी चीज़ें मैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ। इन केस अगर आप भी अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं ना, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए ये आप इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना। ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो यहाँ पर मैंने जो सैंडविच के लिए ब्रेड में यूज़ कर रही हूँ वो मल्टीग्रेन ब्रेड में यूज़ कर रही हूँ, तो उनको हल्का सा तवे पे घी लगा के मैं टोस्ट कर लूँगी। और जो हम वेजिटेबल फ्राई कर रहे हैं, सोते कर रहे हैं ना, सॉरी, उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। अभी हमें इन वेजिटेबल्स को कुक करना है, तो थोड़ा सा ढक करके कुक करेंगे। मैंने इसमें प्याज, शिमला मिर्च और कैरेट लिया। आप इसमें और चीज़ें भी ले सकते हो, अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हो, रेड और येलो बेल पेपर्स ले सकते हो, मशरूम ले सकते हो, कॉर्न्स भी ले सकते हो। फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया, क्रम्बल करके मैंने इसमें पनीर ऐड करा है, और ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस के नाम पर सिर्फ मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है और ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स ही ऐड करे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी जो स्टफिंग है बनके रेडी है। और ब्रेड के लिए मैं यहाँ पर अगेन मल्टीग्रेन ब्रेड ही यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद की ब्रेड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड खुद भी मैंने टोस्ट कर लिया एक जगह से। अब जैसे हम सैंडविच बनाते हैं वैसे ही अब सैंडविच को असेंबल करना है। एक ब्रेड की स्लाइस पे हम स्टफिंग रखेंगे और उसको कवर करके हल्के हल्के घी में हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप उसमें भी इसको ग्रिल कर सकते हो। मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक के तौर पर भी आप ये सैंडविच बना सकते हो। ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है, तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना। अब स्टफिंग ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और कवर करके बस हमें इसको तवे पर सेक लेना है। तो मैंने यहाँ पर सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया। बिल्कुल कम फ्लेम पर आपको सेकना है, तब ज़्यादा क्रिस्पी होता है। और आप इसको मशीन में भी, ग्रिलर मशीन में भी सेक सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। तो हमारा सैंडविच यहाँ पर बनके रेडी है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और काफ़ी ज़्यादा फिलिंग भी ये होता है। आप ज़रूर से ये ट्राई करना। फिर नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया था, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसे भी आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी क्विक ऑप्शन होते हैं, जल्दी बनके रेडी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखेंगे। अभी हमें सूजी को यहाँ पर हल्का हल्का भूनना है, जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं उतना नहीं भूनना। आपको सूजी का कलर इसमें रहना चाहिए, बस हल्की सी नटीनेस हमें सूजी में चाहिए। तो 3 से 4 मिनट का आप टाइम देखकर भी इसको भून सकते हो, बिना घी के ही आपको ऐसे ही इसको भूनना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप तक सूजी ली थी और उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी मैंने इसमें देसी घी ऐड करा 1 से 2 चम्मच। फिर मैं यहाँ पर राई ऐड करूँगी, जीरा ऐड करूँगी, कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड करा, एक तड़का लगा रहे हैं हम यहाँ पर। चना दाल मैंने ऐड कर दिया, साथ में ना उड़द दाल भी डलती है, मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने नहीं डाली है। फिर कड़ी पत्ता ऐड करा और कुछ मैंने यहाँ पर कैशूज़ ऐड कर दिए, काजू। अभी हमें इसको, जब तक काजू हमारे हल्के ब्राउन होने लगे ना, तब तक हमें इसको भुनना है। फिर हमें ना यहाँ पर मेरे से एक गलती सी हो गई थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी। जैसे मैं इडली का प्रीमिक्स कई बार बनाती हूँ ना, तो मेरा ध्यान शायद वहीं चला गया और मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी। बट कोई बात नहीं, अब ऐड हो गई है तो इसको ठीक करना ही है। आप ऐसे मत करना, जब हमारे काजू अच्छे से भुन जाए ना, फिर आपको पानी ऐड करना है। पानी जब बॉयल हो जाए फिर उसमें नमक ऐड करके फिर सूजी आपको ऐड करनी है। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, आप उपमा तो डेफिनेटली बनाते ही होंगे,
तो बहुत ही क्विक वाला ब्रेकफास्ट ही है। तो फिर मैंने क्या करा, सूजी मेरे से डल गई तो मैंने इसको साइड में रखा, फिर मैंने पानी उबाल लिया पहले, फिर पानी जब उबल गया ना तब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और फिर उबला हुआ पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो उससे भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था, ना ही कोई टेस्ट में फ़र्क आया था। कई कबार ऐसा हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं, कुकिंग का मतलब यही है कि अगर आप से कोई गलती हो जाती है तो आप उसको फटाफट वहाँ पर ठीक कर सकते हैं, तो बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ऐसे ही एक दो ट्रिक लगाकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें उबला हुआ, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है ना तो आपको इसमें उबला हुआ पानी ही ऐड करना है। अगर आप नॉर्मल पानी ऐड कर दोगे ना फिर इसमें लम्प्स बन जाएंगे। अब देख सकते हो आप, बिल्कुल भी इसमें लम्प नहीं बने, कितना सॉफ्ट है ये। तो बस आपको इसमें सिर्फ पानी ऐड करके इसको ढक करके रखना है। जैसे ही सूजी फूल जाएगी फिर आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसको रेस्ट देना 5-7 मिनट का। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हो और देख सकते हो कितना सॉफ्ट। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। एक दिन मैंने सैंडविच खाया था और एक दिन मैंने यहाँ पर उपमा बनाया था। अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी देखना चाहते हो ना तो मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ डेली की, मैंने क्या खाया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली की मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वेट लॉस जर्नी। अभी मैंने यहाँ पर कॉफ़ी बना रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पीने का मेरा बहुत मन हो रहा था शाम के टाइम पर, वर्कआउट करने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हाँ मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ बिना शुगर की, हेल्दी वर्जन में यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये एक ग्लास का जार ले लिया, इसमें मैंने 2 कॉफ़ी के सैशे ऐड करे हैं, जो कॉफ़ी के पाउच आते हैं ना, तो 2 सैशे वो ऐड कर दिए। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर जैगरी पाउडर ऐड करा और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डालकर इसको खूब शेक करा है, अच्छे से ये फिट जाती है। फिर यहाँ पर अब इसको असेंबल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले लिया जिसमें हम सर्व करेंगे, तो उसके साइड्स में ना मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप लगा दिया, फिर जो हमने बना कर रखा था कॉफ़ी का मिक्स वो यहाँ पर रख देंगे, कॉफ़ी फेट करके जो रखी थी ना वो यहाँ पर डालेंगे। फिर जो हमारा ग्लास का जार था ना उसी में मैंने दूध डालकर वहीं से शेक कर लिया सारा, और वो दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया, कोई शुगर मैंने इसमें ऐड नहीं करी है, और ऊपर से बस इसमें आइस डालेंगे और हमारी बढ़िया सी कॉफ़ी बन के रेडी है। आप भी ये रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए।